मुख्यमंत्री जी, आपके और आपके भतीजे की जोड़ी अगर कुछ दिन और सलामत रह गई, जंगल राज का वातावरण बना। नेहरू जी के आंख में आंख डालकर बात करते थे और बिहार में इंडस्ट्रियल वातावरण बनाने का संकल्प को साकार किए थे। जो एनडीए की सरकार थी, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में सरकार बनी थी, हमारे वित्त मंत्री ने अथक प्रयास से राज्य में वित्तीय अनुशासन का माहौल बनाया। लेकिन मुख्यमंत्री जी, आपके और आपके भतीजे की जोड़ी अगर कुछ दिन और सलामत रह गई तो बिहार में पुनः वित्तीय अराजकता का माहौल व्याप्त हो जाएगा। महोदय, आपकी जोड़ी और माननीय सुशील मोदी जी की जोड़ी खजाना लूटने वालों से मुक्त कराया था और फिर उसी के गोद में खजाना को पहुंचा दिए हैं। लोग को लगा एनडीए की सरकार है, वातावरण अनुकूल है, मुख्यमंत्री जी श्रद्धेय अटल जी के गोद से प्रशिक्षण लेके आए हैं, सुशासन स्थापित करने वाले लोग हैं, निवेशक आकर्षित हुआ। लेकिन फिर से जब से जंगल राज का वातावरण बना, जिसको जनता राज मुख्यमंत्री कहने लगे और ठहर गया निवेशक, महोदय निवेशक आ नहीं रहा है। आज मुख्यमंत्री जी जिसके शरण में बैठे हैं, उसी कांग्रेस की जब केंद्र में सरकार थी, मैं याद दिलाना चाहूंगा, उसने बिहार के साथ भयानक भेदभाव किया था। इस बात से स्वयं मुख्यमंत्री जी भी सहमत रहे हैं, लेकिन अवसरवादिता की राजनीति की अपनी मजबूरियों के कारण आज वह मौन रहने को विवश है। वह दौर था जब कांग्रेस शासित केंद्र सरकार ने बिहार को एक आंतरिक उपनिवेश बना रखा था। कांग्रेस के लोगों ने बिहार के विकास के लिए कभी कदम नहीं उठाया। बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री श्री बाबू के समय में नेहरू जी के आंख में आंख डालकर बात करते थे और बिहार में इंडस्ट्रियल वातावरण बनाने का संकल्प को साकार किए थे। लंबे समय तक कांग्रेस शासन में रहा, कांग्रेस की क्या उपलब्धि रही उस पीरियड के बाद आज तक बिहार में इंडस्ट्रियल वातावरण बनाने से क्यों बिहार रुका रहा, ये भी बताना चाहिए। कांग्रेस का ये नीति था भारत समानीकरण, उस नीति के तहत बिहार से खनिज और प्राकृतिक संसाधन केंद्र सरकार के खर्च पर अन्य राज्यों को उपलब्ध कराया गया और बिहार न केवल अपने संसाधनों को खोता रहा बल्कि निवेश से भी वंचित रहा, जिससे बिहार को लाखों करोड़ के नुकसान हुआ। महोदय बताना चाहिए। माननीय नेता विपक्ष बजट के, महोदय बजट में जो खूबी है उस खूबी को भी अपने दृष्टि से देख करके उस पर भी कुछ कहने का काम। महोदय आसन आसन सत्ता के साथ साथ विपक्ष के भी संरक्षक है, विपक्ष का काम है बजट की खामी को दिखाना, बजट के कमी को बताना, खूबी तो सरकार के लोग झूठा पीठ थपथपाएंगे ही। माननीय मुख्यमंत्री जी और उप मुख्यमंत्री जी, जिस कांग्रेस की गोद में आप बैठे हैं उसके काले कारनामों को आप कैसे धोएंगे, जो बिहार से सौतेला व्यवहार किया, बिहार को पीछे ले जाने में हम भूमिका निभाया। इसलिए मुख्यमंत्री जी को यह ध्यान रखना चाहिए। मैं कहना चाहूंगा अध्यक्ष महोदय कि इतिहास को याद नहीं रखते, जो इतिहास को याद नहीं रखते उनको इतिहास दोहराने का दंड मिलता है, दंड मिलता है। महोदय,